अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको पुरानी कंपनी का पीएफ बिना ट्रांसफ़र किए एडवांस में विड्रॉल करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल आपने सही सुना, आप अपनी पुरानी कंपनी का पीएफ बिना ट्रांसफ़र किए भी एडवांस में विड्रॉल कर सकते हैं। तो एडवांस में पीएफ विड्रॉल करते टाइम आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से अपना क्लेम सबमिट करेंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका पीएफ भी ना फंसे, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में यूनिफाइड मेंबर पोर्टल ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाती है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। अब आपको एडवांस पीएफ विड्रॉल के लिए क्लेम सबमिट करने से पहले अपनी केवाईसी चेक करनी है। तो केवाईसी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके। यहाँ पर आपका आधार कार्ड ये वेरीफाई होना चाहिए। इसके बाद आपका पैन कार्ड भी मैंडेटरी है अगर आपकी पीएफ की अमाउंट 50,000 से ज्यादा है जो आप विड्रॉल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप 50,000 से कम की अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं तब आप बिना पैन कार्ड के भी पीएफ निकाल सकते हैं। अगर आप बिना पैन कार्ड के 50,000 से ज्यादा की अमाउंट निकालते हैं तो आपका काफी ज्यादा टैक्स कट जाएगा, तो इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई होना चाहिए। तो केवाईसी में आपकी सिर्फ ये तीन चीजें ही मैंडेटरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट। इसके बाद आपको अपनी सर्विस हिस्ट्री चेक करनी है। यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ सर्विस हिस्ट्री, इस पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आपने कौन सी कंपनी में कब काम किया है। तो यहाँ पर 5 से ज्यादा कंपनी है तो हम यहाँ पर 10 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 8 अलग अलग कंपनियों में काम किया गया है। यहाँ पर आप मेंबर आईडी, एस्टेब्लिशमेंट नेम, यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट आईडी एंड यहाँ पर कौन सी डेट में ज्वाइनिंग की है, कौन सी डेट में एग्जिट हुए हैं, वो कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू की जो 6 मेंबर आईडी है, इन सभी मेंबर आईडी का पीएफ निकला हुआ है या फिर ट्रांसफर किया हुआ है। एक तो ये जो 7 नंबर की आईडी है, इस आईडी में हमारा मेन पीएफ है, और जो 8 नंबर की आईडी है ये ज्वाइनिंग अभी की गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 9th जनवरी 2023 में ज्वाइनिंग की गई है, तो इनका जो अभी कंट्रीब्यूशन है वो अभी जमा नहीं किया गया है। तो जब तक आपका करंट आईडी में कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया जाता है तब तक आप पुरानी आईडी का पीएफ ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको पुरानी आईडी से अपना एडवांस में ही पीएफ निकालना होता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी 7 नंबर की आईडी में कितना पीएफ जमा है। तो यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पासबुक, इस पर ओके करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी सभी मेंबर आईडी आपको शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड लास्ट मेंबर आईडी थी इसके लास्ट में है 7317, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ व्यू पासबुक, इस पर ओके करेंगे। तो हमारा जो मेन पीएफ है वो अभी इसी मेंबर आईडी में है। तो इस आईडी में जो हमारा एम्प्लॉय शेयर है वो है 54,733 रुपीज और एम्प्लॉयर शेयर है 16,435 और पेंशन है 6,601 रुपीज। तो एडवांस में पीएफ विड्रॉल करने के लिए एक रूल है कि आपकी जो 3 महीने की सैलरी होती है उस 3 महीने की सैलरी के बराबर आप अपना एडवांस पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आपकी 3 महीने की सैलरी से कम की आपकी पीएफ अमाउंट है, आपका एम्प्लॉय शेयर, फिर आप अपना कंप्लीट एम्प्लॉय शेयर विड्रॉल कर सकते हैं। तो जो भी आपका कम होगा, अगर आपकी 3 महीने की सैलरी कम है आपकी पीएफ की अमाउंट से, एम्प्लॉय शेयर से, तो आप अपनी 3 महीने की सैलरी के बराबर पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आपका एम्प्लॉय शेयर आपकी 3 महीने की सैलरी से कम है तो आप अपना कंप्लीट एम्प्लॉय शेयर विड्रॉल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो 54,733 रुपीज है तो ये हम पूरी अमाउंट के लिए क्लेम करेंगे, क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो 3 महीने की सैलरी इस अमाउंट से ज्यादा बनती है, तो हम इस पूरी अमाउंट को विड्रॉल करेंगे एडवांस में। इसके बाद जो एम्प्लॉयर शेयर है ये आपको ट्रांसफर ही करना होगा अपनी करंट आईडी में। तो जब हमारा करंट आईडी में कंट्रीब्यूशन जमा हो जाएगा इसके बाद हम अपना एम्प्लॉयर शेयर ट्रांसफर कर देंगे। और पेंशन ट्रांसफर नहीं होती है, पेंशन की जो सर्विस हिस्ट्री होती है वो सर्विस हिस्ट्री आपकी ट्रांसफर हो जाती है। और एडवांस में फॉर्म सबमिट करने के लिए आपकी डेट ऑफ एग्जिट भी मैंडेटरी नहीं है, आप बिना डेट ऑफ एग्जिट डाले भी अपना एडवांस में पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। तो बस ये दो ही बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको अपनी केवाईसी चेक करनी है, इसके बाद अपनी सर्विस हिस्ट्री में चेक करेंगे जिस आईडी का भी आप पीएफ निकालना चाहते हैं उसमें कितना अमाउंट है और कितने अमाउंट निकालने के लिए आप एलिजिबल है। तो बस आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, इसके बाद आप क्लेम सबमिट कर सकते हैं। तो क्लेम सबमिट करने के लिए आपको वापस यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में आ जाना है। इसके बाद यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज, इस पर ओके करेंगे। यहाँ से क्लेम फॉर्म 3119 10C एंड 10D, इस पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को वेरीफाई करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को यस करेंगे, अकाउंट नंबर वेरीफाई हो गया है तो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट नंबर गलत हुआ तो आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है, और अगर आईएफएससी कोड गलत हुआ तो आपका पेमेंट फंस भी सकता है। अगर अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड में आपकी कोई मिस्टेक है तो आप उसको पहले करेक्ट कर लेंगे। करेक्ट करने के लिए आपको केवाईसी दोबारा करनी होगी, जो कि आप यहाँ मैनेज में जाके केवाईसी पर क्लिक करके अपनी बैंक अकाउंट दोबारा अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर क्लेम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसमें आपको सेलेक्ट करना है पीएफ एडवांस फॉर्म 31। एडवांस के लिए आपको फॉर्म 31 ही सेलेक्ट करना होता है। अगर आपकी करंट आईडी में एग्जिट डेट मेंशन होगी तो यहाँ पर आपको फॉर्म 19 एंड 10 सी दो फॉर्म और दिखाएगा, लेकिन आपको तब भी फॉर्म 31 ही सेलेक्ट करना है अगर आप एडवांस पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अपनी सर्विस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपकी सभी मेंबर आईडी शो हो जाएंगी, तो यहाँ पर आपको उस मेंबर आईडी को सेलेक्ट करना है जिस आईडी में आपका पीएफ है और जिस आईडी से आप पीएफ निकालना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको काफी सारे रीजन मिलेंगे, तो यहाँ पर नॉर्मली इनलेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इनलेस के थ्रू आप एडवांस में कभी भी पीएफ निकाल सकते हैं। बाकी के यहाँ पर और भी काफी सारे रीजंस हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, एक ये वाला रीजन भी दिया हुआ है। अगर आप इस रीजन से पीएफ निकालते हैं तो आपकी जो सर्विस है वो मिनिमम 5 ईयर होनी चाहिए, तभी आप इस रीजन से अपना पीएफ निकाल सकते हैं। और इस रीजन से अगर आप पीएफ निकालते हैं फिर आपका जो इम्प्लॉई और प्लस इम्प्लॉयर शेयर है वो आप पूरा का पूरा विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इन सभी ऑप्शंस के अलग अलग मतलब है और इन सभी को आपको पहले समझना होगा। तो अगर आप इन रीजंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इन सभी रीजंस को एक वीडियो में अलग से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इनलेस। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट फिल करेंगे, जितना भी अमाउंट आप निकालना चाहते हैं। तो हमें पूरा अपना एम्प्लॉय शेयर निकालना है तो यहाँ पर हम कंप्लीट एम्प्लॉय शेयर फिल करेंगे। तो पहले आपको कैलकुलेशन कर लेनी है कितने अमाउंट निकालने के लिए आप एलिजिबल है। इसके बाद यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपनी सिटी का नेम एंड यहाँ पर पिन कोड फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक की पासबुक या फिर कैंसिल चेक अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट आपको जेपीजी एंड जेपेग में रखना है, और फाइल का मिनिमम साइज 100 KB और मैक्सिमम साइज 500 KB तक रखना है। और आपकी बैंक की पासबुक या फिर कैंसिल चेक में आपकी जो डिटेल्स है वो रीडेबल होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी डिटेल्स क्लियर नहीं होगी तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिटेल्स में आपका नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो फाइल अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल, इस पर ओके करेंगे, फाइल की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए फाइल अपलोड हो चुकी है, आप यहाँ व्यू पर क्लिक करके अपनी पासबुक या चेकबुक को देख भी सकते हैं। इसके बाद आपको कंसेंट देना है आधार ओटीपी के लिए, यहाँ इस बॉक्स को चेक करेंगे, गेट आधार ओटीपी, इस पर ओके करेंगे। ईपीएफओ की जो वेबसाइट है इसमें अक्सर प्रॉब्लम चलती रहती है, कभी कभी साइट बहुत ज्यादा स्लो चलती है, तो अगर एक बार में ओटीपी नहीं जाता है तो आप जो है इसको दोबारा से रिसेंड करेंगे, या फिर आप वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं और एक बार में अगर ओपन नहीं हो रही है तो आप एक दो बार जब ट्राई करेंगे तो साइट ओपन हो जाएगी। तो पीएफ की जो साइट है आपको सिर्फ एक महीने में एक दो बार ही सही चलती हुई मिलेगी, तो अगर साइट स्लो भी चल रही है तो आप इसको इग्नोर करेंगे और जो है अपने क्लेम को सबमिट करेंगे। अभी देखिए हमने 2 या 3 बार ओटीपी को सेंड किया है तब जाके ओटीपी रिसीव हुआ है, तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, इस पर ओके करेंगे। तो फाइनली ओटीपी को 2 बार हमने सबमिट किया है तब जाके हमारा ओटीपी वेरीफाई हुआ, और वेरिफिकेशन के बाद अब हमारा जो क्लेम है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है यूनिफाइड पोर्टल पर। यहाँ पर एक पीडीएफ भी जनरेट हो जाती है, आप इस पीडीएफ में भी अपने क्लेम की डिटेल्स देख सकते हैं। पीडीएफ देखने के लिए यहाँ क्लिक हियर, इस पर ओके करेंगे। इस पीडीएफ में आपके क्लेम की कंप्लीट डिटेल्स होगी, यहाँ पर आप अपनी पासबुक या चेकबुक देख सकते हैं जो भी आपने साथ में अपलोड की होगी, तो आप इसको रिकॉर्ड के लिए डाउनलोड करके या फिर प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। इसके बाद क्लेम का स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है, यहाँ ट्रैक क्लेम स्टेटस, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर आप अपने क्लेम का करंट स्टेटस देख सकते हैं, फॉर्म 31 हमने अप्लाई किया है, 23 जनवरी 2023 में हमने 4:10 पे इसको अप्लाई किया है, और करंट जो स्टेटस है वो दिखा रहा है ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाती है जिसमें आपकी क्लेम की डिटेल्स होगी। सबमिट करने के बाद इसको नॉर्मली जो है 24 घंटे तक का टाइम लग जाता है फील्ड ऑफिस सेंड होने में, वहां पर आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा, और जितनी भी अमाउंट के लिए आपने अप्लाई किया है अगर आप उतनी अमाउंट के लिए एलिजिबल है तो आपकी वो अमाउंट को पास कर दिया जाएगा और आपका जो क्लेम है वो सेटल्ड हो जाएगा। सेटल्ड होने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपकी जो पीएफ की अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इस प्रोसेस में नॉर्मली 1 हफ्ते तक का टाइम लग जाता है, 1 हफ्ते तक आपको वेट करना है और अपने क्लेम का स्टेटस चेक करते रहना है। जैसे ही आपका क्लेम सेटल्ड होगा तो यहाँ पर आपको दिखाएगा क्लेम सेटल्ड। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, इस तरह से आप एडवांस में अपनी पुरानी किसी भी कंपनी से पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, अगर आप
इसी तरीके से फॉलो करेंगे और अपना क्लेम सही से सबमिट करेंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, 100% आपका क्लेम सेटल्ड हो जाएगा और आपका जो पीएफ का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप जो है अपना क्लेम हमारे थ्रू भी सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप हमारे पास से क्लेम सबमिट करवाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, लेकिन ये सर्विस पेड है। अगर आप हमारे पास से अपना क्लेम सबमिट करवाते हैं तो आपको कंसल्ट फीस देनी होगी।